हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल डॉक्टर ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन लेना खतरनाक हो सकता है। फर्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के साथ कभी भी एंटी हिस्टेमाइन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे साथ में लेने से आपको सीवियर चेस्ट पेन या आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड है नॉन डिहाइड्रोफायराइडिन। नॉन डिहाइड्रोफायराइडिन के साथ हमें बीटा ब्लॉकर्स को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें लेने से ब्रैडीकार्डिया मीन हार्ट बीट का कम या स्लो होना या फिर हार्ट ब्लॉक तक भी हो सकता है। थर्ड है एंटा एसिड। एंटा एसिड के साथ आयरन की टैबलेट या कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। इन्हें साथ में लेने से कुछ साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडिया की जरूरत पड़ती है, जो कि एंटी एसिड लेने से नहीं मिल पाता है। फोर्थ है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री के साथ एंटी प्लेटलेट या फिर एंटी कोगुलेंट, जिन्हें हम ब्लड थिनर भी कह सकते हैं, इन्हें नहीं लेना चाहिए। इन्हें साथ में लेने से ब्लीडिंग के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लास्ट है फ्रेसामाइड। फ्रेसामाइड के साथ जेंटामाइसिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें साथ में लेने से हेयर लॉस होने लगते हैं या इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।